स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको नहीं फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिंगर स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, स्मार्ट लॉक का ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना होगा और अपना ओल्ड पासवर्ड जो आपने पहले से सेट कर रखा है आपको यहाँ डाल देना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटअप, तो आपको सेटअप पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिंगर लगाना है अपना। तो गाइस इस तरीके से आपको अपना फिंगर लगाना है और रिमूव करते रहना, लगाना है और रिमूव करते रहना। गाइस देखिए हमारा जो फिंगर है वो पूरा लग चुका है और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फिंगर बन, जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका ऐड ए फिंगरप्रिंट, जैसे गाइस आप अपने फ़ोन में अपने कज़न वगैरह या अपने घर में किसी परिवार में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का अपने फ़ोन में, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।